रायपुर में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो राजधानी में जाली नोट खपाने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को 2.5 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2000 के 93, 500 के 93 और 100 के 184 नकली नोट बरामद हुए हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थानागंज क्षेत्र में चूना भट्टी करके एक एरिया, वहाँ पर सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति जो कि शक्ति के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम शिव प्रसाद मनहरे हैं और दूसरा का नाम पराग रात्रे हैं, वो कुछ नकली नोट जैसा रखे हुए हैं और उसे लोगों को जो है बेचने का और साथ ही लोगों को ठगने का उसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर जो है थानागंज और क्राइम ब्रांच की टीम को रवाना किया गया था और आरोपियों को गिरफ्तार करके जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे 2000 के 1000 के 500 के कुछ नकली नोट मिले हैं, जिसके बेसिस पर धारा 420 और 489 ई का जो है अपराध पंजीकृत किया गया है, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।